नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ संदेश नेमा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हुए हैं और सारे सांसद कांग्रेस के सारे नेताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस अपने नेता को ईडी के सामने पेश किया है। देश के कई प्रदेशों में भी ये प्रदर्शन हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, यदि वे निर्दोष हैं तो ये डर कैसा, और कांग्रेस की नज़र में क्या देश में सबसे बड़ी समस्या यही रह गई है कि राहुल गांधी के ऊपर कोई नोटिस आ गया है? महंगाई या और बेरोजगारी या और कोई भी दूसरे मुद्दे या जो हर जुमे को हो रहा है या कश्मीर में जो हो रहा है, वो सब मुद्दे नहीं हैं, वो समस्याएं नहीं हैं। इन विषयों पर अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे हमारे अतिथि विचारक चिंतक अशोक त्रिपाठी जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके इसमें विचार जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें तो सीधा कहना ये है कि परिवार में सिमटती कांग्रेस, महंगाई से त्रस्त जनता में जा रहा गलत संदेश जी। लेकिन कांग्रेस इसका खामियाजा भी भुगत रही है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कार्यकर्ता, ये अलग बात है, जनता सब समझ रही है। और यही कारण है कि कहते हैं ना कि डूबते हुए जहाज को चूहे भी छोड़ने लगते हैं। बड़े बड़े कद्दावर नेता तो ठीक हैं, कपिल सिब्बल जैसे नाम, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रकार के अभी जिला पंचायत में किसी टिके, मतलब नित्य कांग्रेस को छोड़ने वालों की एक लाइन लगी हुई है। और वास्तव में बात यह है कि क्या कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल है ना। मतलब कांग्रेस को या गांधी परिवार को किस बात का डर? क्यों मचा दिया देश में भवंडर? सीधी बात है कि यदि कोई खिलाफ पे कार्रवाई होती है तो आपके पास न्यायिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं कुछ भय है और आपको ऐसा लगता है कि सच्चाई सामने आने के पहले इतना भवंडर मचा दो कि कुछ ना कुछ एक जनता में हमारे प्रति सहानुभूति हो जाए। सहानुभूति नहीं हो रही है, चूहे की तरह कांग्रेस लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। अब भी समय संभल जाइए और कांग्रेस ही एकजुट होकर इस कांग्रेस को बचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।